वहाँ के जो लोग है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना से। ये पूरा कटहल का पेड़ है भाई। गुड गुड, यहाँ का निनबिन का कब्रिस्तान। हम निनबिन को छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। रेट क्या है? तो ट्रेन आ गई, हमारी सीट पे बैठी है दादी अम्मा। इन लोगों के स्कैम से बचना। सो गाइस, आ गए हम एक वियतनाम के खूबसूरत मंदिर में जिसको कहते हैं पगोड़ा। एक्चुअली में यहाँ के जो लोग है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना से, क्योंकि ये पड़ता है नॉर्थ वियतनाम के अंदर। नॉर्थ वियतनाम पे एक टाइम पहले चाइना का कब्जा था। ऐसा मत करो मेरी जान। इसके कारण चाइना के लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। काफी सारी चीजें आपको चाइना की नजर आएंगी। फिलहाल चलते हैं पगोड़ा के अंदर, कुछ प्रोग्राम, कुछ शायद पूजा वूजा चल रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। शूज अंदर उतारेंगे, हम अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे। वाह, ये है पगोड़ा। पगोड़ा मंदिर को कहते हैं। ये देखो इस तरह से बना हुआ है और फ्री एंट्री है, अंदर पूजा चल रही है। ये पानी के पॉन्ड बने हैं, शायद नहाते वहाते होंगे। हमारे इंडिया में होता तो इसका कुंड बना चुके होते, एक लेडीज कुंड, एक जाइंट्स कुंड, समझ रहे हो ना। और देखो ड्रैगन, मैंने बोला था ना, यहाँ भी ड्रैगन आपको नजर आ गया होगा। और ये पता नहीं घोड़े किस लिए बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ इनका कल्चरल प्रोग्राम होगा, उसके लिए कुछ तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वाह, और सारी जो कलाकृति आपको नजर आएगी ना, सब चाइना की नजर आएगी। यहाँ का जो मंदिर है कुछ इस तरह के, जैसे वो चाइनीज मूवी देखते हैं जूडो कराटे करते हैं, कुछ इस तरह का ओपन स्पेस होता है यहाँ पे। देखो आपको और दिखाते हैं आसपास। भाई साहब, आपने कभी कटहल का पेड़ देखा है? खाया तो खूब होगा। ये देखो कटहल का पेड़, पेड़ पे कैसे लगे हुए कटहल यार। ये पूरा कटहल का पेड़ है भाई, ऊपर तक लगे हुए हैं। मैंने पहली बार देखा यार, कमेंट करके बताना किसी ने कटहल का पेड़ देखा है। कटहल इस तरह से उगता है, अच्छा खासा बड़ा बड़ा कटहल है भाई। कटहल ही है ना? हाँ कटहल ही है भाई, देख लो। ये जो जगह देखी जाए ना, पूरी खेतों से भरी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पहले यहाँ पहले समुंदर होगा। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो पहाड़ होते थे समुंदर के अंदर होते थे, वो पानी नीचे चले गया और ये जमीन ऊपर आ गई ना, तो ये नज़ारे छोड़ दिए उसने। वाह, तो यार जलाया क्या जा रहा है। बाकी ये देखो सारी ग्रीनरी ग्रीनरी और इस तरह के पत्थर हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नहीं नहीं, ये कुछ वैसे घास फूस गत्ते वत्ते जलाए हैं, पर कुछ तो है जलाने का, अंदर भी कुछ जलाते हैं। इस जगह को अगर मैं वियतनाम में आने के बाद एक्सप्लोर ना करता और बाद में मुझे पता चलता तो बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो भैया मैं खुद भी आया हूँ और आप लोगों को मिस करने का कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको घुमा रहा हूँ यहाँ पे निनबिन। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो हनोई के साथ। भाई कटहल तो मैंने देखा ही देखा, ये किस चीज़ का पेड़ है भाई, ये क्या है? अकेला लौता इतने बड़े पेड़ पे ही लगा हुआ है, मोटा सा, ये है क्या पता नहीं, अजीब से पेड़ है, अजीब से। ये देखो मंदिर, ये देखो क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। वैसे मुझे मालूम नहीं ये क्या है, पर जो भी चीज दिख रही है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी, भले चाइनीज स्टाइल की है, मिनी चाइना भी कह सकते हैं नॉर्थ वियतनाम को, पर ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मजा आ गया। होएन जो जगह थी हमने लास्ट टाइम दिखाई थी, वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था चाइना से। जितनी कॉलोनियां बनी हुई थी, छोटी छोटी गलियां थी, सारे के सारे घर, चीजें, जो कल्चर है वो चाइना के ऊपर ही था। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना, ये जो घोड़े हैं किसी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं, अब होने वाली है पूजा, तो यहाँ सारे घोड़ों को निकाल लिया गया है। ऐसा बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है, देख रहे हो ना। ये जो इस वक्त अंदर डांस कर रहे थे, इनको भी दिखा रहा था, वो यहाँ के हुई भी इनके चेयरमैन है। और एक्चुअली में ये मंदिर बनाया गया है, जो अंदर मूर्ति पूछ रहा था किसकी है, वो 13वीं शताब्दी की इनकी जो पूर्वज थे उनकी मूर्ति बनी हुई है। ये घोड़े क्यों रखे हुए यहाँ, ये घोड़ों से करने के वाले हैं? वही ट्रैवल का ये पैदा होता है। यहाँ फ्रांस से लड़की आई है, फ्रेंड्स हैं, अंदर जा रहे हैं। हेलो इंडिया, योर गुड नेम सारा। सारा ओके भाई, अकेले घूम रही है, एक महीने से घूम रही है। नाइस यार, गुड गुड, थैंक यू, कैरी ऑन, बाय 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 बाय। भैया लोग सोलो ट्रैवल करते हैं, एक महीने से घूम रही है, वो भी अकेली लड़की, मतलब समझ लो अकेली लड़की खुली तिजोरी होती है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ के लोग देखो कितने फ्री है माइंड से और आराम से घूम रहे हैं। फाइनली यहाँ से निकलते हैं यार। एक्चुअल पता क्या, जैसे कि आपको पता भैया, रोमन मंगोलियन जो लोग थे पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे भी राज करने के लिए आए थे। तो उस टाइम पे जो अंदर जो 3 स्टैचू दिखाए थे, तो राजा थे 13वीं सेंचुरी के, उन्होंने उस टाइम पे उनसे फाइट करी थी, तभी उनकी फोटो लगी हुई है। तो चले। सो भैया जी, गलत रास्ते पे भटकते हुए आ गए भाई साहब, घोर अंधेरा। सच बताऊँ तो डर लग रहा है। ये है कब्रिस्तान, यहाँ का निनबिन का कब्रिस्तान, और अंधेरा है, चारों तरफ पहाड़ है और सारी कब्रें हैं बीच में। भाई साहब आपको डर लग रहा है? मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अंधेरा होने का तरह कैसे लोग यहाँ रहते होंगे या कैसे आते होंगे? और यहाँ कोई बग्गी वग्गी भी है शायद, लाश वगैरह जो है ना इस पे लेके आते हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, अंदर सुनसान सा रास्ता है, चारों तरफ पहाड़ है। पर एक चीज़ माननी पड़ेगी भाई, निनबिन
मजा आ गया। A few moments later, बढ़िया जगह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो ऑल ओवर सब बढ़िया है, खाना खाते हैं। या इंडिया, YouTube। हेलो, कैमरा देखते खुश हो जाते हैं, भूख लगी रही थी जल्दी जल्दी में, ध्यान ही नहीं रहा कि भैया व्लॉग भी करते हैं हम, तो कोई बात नहीं। 35 रुपए का बियर का गिलास है, ये बहुत अच्छा काम करती है, तो ये पी लेनी चाहिए एक गिलास, तो हमने वो ले लिया है। फिलहाल यहाँ पे चिकन के नाम पे मिलता है डेस, जो कि हम खा रहे हैं, मजा आ रहा है और खाते हैं, और उसके बाद निकलेंगे अपने रूम के लिए। The next day. So, guys, good morning from Vietnam, Ninh Binh. आज हमारा चेकआउट है, हम Ninh Binh को छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है कैपिटल ऑफ वियतनाम जो कि है हनोई। 4 बजे की हमारी ट्रेन है, जैसे उतरे थे अपनी टिकट पहले बुक कर ली थी, क्योंकि ट्रेन टिकट के लिए आपको स्टेशन जाना पड़ता है, तो फिर दोबारा जाना पड़ता है, तो भैया हमारा डबल कराया लगा था, बात समझ रहे हो ना। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, वियतनाम के लोग है ईमानदार, वो एक्चुअली मैं इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ना जब बुकिंग करा के जा रहे हैं तो हम प्री बुकिंग कर रहे हैं, तो उस पर जो अमाउंट शो होता है हमें कहीं ना कहीं डर लगता है यार, कि हम जिस अमाउंट पर हम होटल बुक कर रहे हैं वहाँ जाके पता चला प्राइस बढ़ जाए, खाने का प्राइस बढ़ जाए। हमें तो इवन ये भी डर लग रहा था ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट खा रहे थे, क्योंकि एक टाइम का ब्रेकफास्ट एक बंदे का 50,000 का, यानी हमने 3 दिन खाया तो यानी 3 लाख बन जाता, मोटा मोटा हिसाब, तो हमें डर था भैया ये ना हो कि आखिरी में भैया बिल जोड़ दे, पर नहीं, जो चीज़ लिखी है वो है यहाँ पे। वियतनाम के लोग ईमानदार हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और एक बार अगर टैक्सी वाले से बात हो जाए, डील ओके हो जाए, तो वो ओके ही रहती है, ये नहीं कि यहाँ जाके भाई झगड़ा कर रहा है, नहीं जी आपने ये बोला था वो बोला था, वो मतलब धांधलेबाजी भी नहीं है, जो अक्सर हमारे इंडिया में कई बार आपने देखी है लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो वो नहीं है यहाँ पे। फिलहाल हमने टैक्सी कर ली है अपने रेलवे स्टेशन के लिए, बाकी वहाँ पे बुकिंग कर चुके हैं, हॉस्टल करा बुक, इस बार रूम नहीं करा बुक, क्योंकि हमें ना किचन चाहिए था खाना वाना बनाने के लिए बाहर से ना, यहाँ खाने मजा नहीं आ रहा था, वहाँ किचन होगा तो कुछ अपने हिसाब से बना पाएंगे ना। फाइनली हम पहुँच गए अपने स्टेशन पे, स्टेशन ऐसे सुनसान हो रहा है कि पूछो मत, इतनी गर्मी है भाई साहब, पूरा सब कुछ बंद है यार, पता नहीं क्यों ऐसी गर्मी पड़ रही है भाई। और यहाँ से वैसे आपको बताऊँ एयरपोर्ट है नहीं, बस के जाने के ऑप्शन भी है, जहाँ हमने स्टे कर रखा था वहाँ पे पास पे बस भी मिलती है, जिसके प्राइस अराउंड 2 लाख है, ट्रेन ज्यादा बेटर है। इसकी टिकट हमें पड़ी है लगभग 1,06,000 रुपए, एसी है, सीटिंग है जिसमें हम बैठ के आए थे, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, दानंग से निकल के Ninh Binh, तो स्टेशन आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। और ये काउंटर है, जब ट्रेन आएगी ना तभी खोलेंगे, तब तक आप देखो खाली मिलेगा। तो भैया शुक्र है हवा चली है, आप नीचे साउथ से नॉर्थ पूरा वियतनाम के अंदर होचमी से लेके टिल ऊपर हनोई तक का पूरा ट्रेन सफर है, अराउंड पूरा जो सफर है 2000 किलोमीटर का पटरी का रूट है। विलेज में गए तो लोगों ने कुत्ते पाल रखे, तो हम पूछ रहे यार ये कुत्ते तो पाल रखे हैं, तो हमारा वहाँ पे एक इंडियन भाई मिला, उसे बातचीत करी, तो पता चला भाई यहाँ के लोग सेम नागालैंड की तरह कुत्तों को पालते हैं, बड़ा करते हैं और उसको मार के खा जाते हैं। हमने पूछा, हमने देखा नहीं, कह रहे आपको पता नहीं, आप घरों के अंदर जाओगे वहाँ पता चलेगा, तो ये सिस्टम होता है। और ये सारी कुत्ता जो मार्केट है, जो कुत्तों वाली, ये मार्केट आपको दिखाएंगे हनोई के अंदर। एक्चुअली में होची में भी हमने सुना था, पर हम वहाँ पे मीट मार्केट में नहीं गए। दूसरी बात, आपको जब भी आप यहाँ आ रहे हो और यहाँ घूमने के लिए आपको जनरली स्कूटी या बाइक चाहिए, बाहर से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर बाहर से लोगे तो आपका पासपोर्ट या फिर $100 आपसे सबमिट कराएंगे। पासपोर्ट तो बिल्कुल मत देना भाई, मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा जोन सी आपने प्रॉपर्टी कर रखी होगी ना उसी से लेना, वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, सिंपली आपको चाबी देगा और आप इंजॉय करो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप पासपोर्ट दो और कल को 1900 बाइक वाइक ठुक जाए और आपसे वो डबल ट्रिपल चार्ज कर ले, बात समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है। पूरा खाली पड़ा है, पूरा कोई भी नहीं है, मैंने खुद पंखा ऑन करा है, गर्मी लग रही थी। और यहाँ वेटिंग रूम में लॉन्च है, यहाँ पे ये लॉन्च समझ सकते हो, कुछ खाने खुने का भी ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए लेके आता समझ, यहीं बैठते आराम से। मैडम अपना नाम क्या है, योर नेम? वही वही नाम है। और यहाँ पे ये सर्विस अभी बेचारी लेटी हुई थी, हमने उठा दिया भाई उठ जाओ, और हमने थोड़ा वेटिंग करनी है। एक्चुअली हमारे अलावा पूरे स्टेशन पे कोई है ही नहीं। हेलो, लोग यहाँ इतने हंसमुख है ना, बहुत अच्छा लगता है, स्माइली फेस है। क्या रेट है इसका, रेट क्या है भाई इसका? नहीं मतलब खाने का रेट पूछ रहा हूँ, यहाँ मतलब रेट की बात हो रही है। हाउ मच क्वांटिटी? इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेट ना, तो भाई खाने के लिए ना बड़े कंफ्यूजन है, समझाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। हमने यहाँ खाना भी ऑर्डर कर लिया, हमारे आगे एग फ्राइड राइस, उसके हैं चिकन नूडल्स। खाना खाएंगे, 4:30 बजे की अपनी ट्रेन है और लेके चल रहे हैं आपको हनोई। टाइम हो गया अपनी ट्रेन का और एंट्री स्टार्ट हो गई है, ट्रेन रुकेगी हार्डली यहाँ पे 2-3 मिनट। चलो अभी 2 नंबर इधर आएगा। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और अपना सफर स्टार्ट होने वाला है। भैया है तो सफर छोटा था, तो ट्रेन आ गई। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता ही है। हाय, यू आर फ्रॉम फ्रांस? नाइस, टॉल, वेरी टॉल भाई साहब, 6'1" हाइट। भाई बहुत लंबी है, भाई बहुत लंबी है। चलो भाई, लड़की है या लड़की? हमें जाना है यहाँ से राइट, तो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश टॉयलेट है। ये सीटें छोटी हैं, हमारी सीट पे तो आंटी जी बैठी हैं। तो भैया यहाँ थोड़ा सा लोचा हो गया, हमारी सीट पे बैठी है दादी अम्मा। अब दादी अम्मा को कैसे कहें कि दादी अम्मा उठ जाओ, दादी अम्मा की सीट कौन सी है ये भी नहीं मालूम। दादी अम्मा कैसे चाओ,
इधर रख दे, ये सामान इस तरह से ऊपर रखा जाता है कि चेयर क्लास एसी है, गिर गया तो किसी का सर टूट जाएगा, होगा कुछ नहीं। ट्रांसलेटर निकाल, दादी साथ पूछ के रहेंगे वियतनामी भाषा में, दादी रुको, वेट वेट वेट, मैं गई चूहा बन, दादी दिस सीट इज खाली, आप वहाँ चले जाओ। हाँ अब क्या ही बोलूँ उनका, सर दिस इज इम्पटी, उन्होंने अपनी सीट दे दी है दादी को और ये उठ गई, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, पर दादी की सीट कहाँ है, इनसे कैसे समझाऊँ, कैसे बात करूँ बताओ, मुझे समझाना समझ नहीं आ रहा, वो अंकल जी उठ के मुझे वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। हम भैया हिंदुस्तान से, इंडिया से, बड़ों का इज्जत करना हमारे उसमें है, धर्म में, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऑल ओवर आपको डिटेल दे देता हूँ, वैसे मेरी फुल डिटेल के लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लो जिसमें मैंने पूरी डिटेल दिखाई है। इस ट्रेन के अंदर ना चार तरह के सीट्स हैं, एक है आपका जैसे हमारे में सेकंड क्लास होता है, यानी एक कैबिन में चार बेड लगे हुए हैं सोने के, फिर दूसरा है जिसमें छः लगी हुई हैं सीटें सोने वाली, उसके बाद ये है आपका एसी चेयर क्लास, उसके बाद एक और डब्बा है जिसमें सीधी सीधी सीटें। तो भैया आप मेरा लास्ट ब्लॉग देख लो, नहीं बहुत गंदी वाली धूप है, तो वो वाला ब्लॉग देख लो आपको सारा पता चल जाएगा। ट्रेन के अंदर खाने का सर्व कराया जाता है और यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट भी है, तो चलो आपको ट्रेन दिखा के लाता हूँ। ये जो है हम सीट एसी चेयर क्लास में है, देखो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास ट्रेन का डब्बा होता है ना वो यहाँ पे नॉर्मल है, ये छे वाला है, एक उसमें छे लोग, और यहाँ बड़ी बड़ी खिड़की है जो आप बाहर नजारों का व्यू का मजा लेते हो जा सकते हो। ऐसे प्राइवेट कैबिन बने हुए हैं सारे, इस तरह से वॉशरूम रहते हैं यहाँ पे, ऐसे चेयर डाल के बैठ सकते हैं, ये तो अपनी चेयर लगता है घर से लेके आए हैं बहुत बड़ी। हेलो शिनचांग भाई साहब, ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है बाथरूम है अपने घर का। और हमारे इंडिया वाली ट्रेन की तरह हिलती बहुत है, पर एसी कूलिंग अच्छा करता है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हनोई और नींद आ गई थी यार, बहुत अच्छी सी नींद आ गई थी, क्या ही बोला जाए, पौने तीन घंटे लग गए। चलो भैया पता नहीं कितने लगाते हैं, शिनचांग नो 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 टैक्सी भाई, ये टैक्सी वाले अंदर ही बैठे हुए हैं, ये भी इंडिया वाला हाल ही है। सो गाइस ये क्रिएटिविटी ना सिर्फ यहीं हो सकती है, वैसे बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और वो भी वियतनाम में। भाई साहब काफी बड़ा स्टेशन है, ये है यहाँ का स्टेशन, यहाँ ठंडा है क्योंकि यहाँ एसी चल रहा है, और एग्जिट करते जैसे हम बाहर निकल आए तो फाइनली हम मेन सिटी के अंदर बाहर आ गए यार। ये है स्टेशन जो पीछे देख रहे हो, ये और ये ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पुराने 70s के सिनेमा हॉल नहीं होते थे, वैसा लग रहा है, बड़ी सी घड़ी भी लगा रखी है ओल्ड स्टाइल का। तो फिलहाल हमने वियतनाम पहुंचने का बस का एक्सपीरियंस कर लिया, ट्रेन का एक्सपीरियंस कर लिया, स्कूटी चला के देख ली, साइकिल चला के देख ली, फ्लाइट से तो माई गए थे, ऑल ओवर एक्सपीरियंस हमारे सारे हो गए। प्रॉपर्टी पहुंचते जो हमने बुक कर रखी है, यहाँ से कितनी दूर में चेक करता हूँ, ये ग्रैब वाले हैं। तो भैया यहाँ इन लोगों के स्कैम से बचना, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो यानी आपके पास ग्रैब नहीं है तो आपको ये पागल बना देंगे। मैंने अभी अपनी लोकेशन देखी, यहाँ से अराउंड 2.5-3 किलोमीटर होगी, जो मैंने ग्रैप में देखने का मुझे पता चला भाई अगर गाड़ी टैक्सी से जाता हूँ तो 40,000 की कॉस्ट है, वो मांग रहा है 1 लाख, फिर कह रहा है 80,000, समझ रहे हो ना, मतलब लूट रहे हैं भाई, लूट रहे हैं, बाइक का 17,000। सो वेलकम आपका है हनोई के सिटी के अंदर, यस वैसे 15,000 दिखा रहा है और ये उल्टे सीधे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड करा हम चल रहे हैं बस से, और बस रूट भी दिखा दे रहा है गूगल मैप, तो यार 300 मीटर चलना है फिर एक बस पकड़नी है उसके फिर 300 मीटर चलना है, तो ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन का मजा भी तो ले ले हनोई के अंदर। तो भैया चलते हुए आगे 300 मीटर की दूरी पे वो सामने स्टेशन है, वो देखो शिनचांग 1 नंबर बस, ओल्ड टाउन, ओल्ड टाउन, ओके। और हमने बस पकड़ ली है तो हम बैठ जाते हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। टिकट 7,000 की है जो कि ऑलरेडी लोकेशन दिखा दी, और उस लड़की ने भी थोड़ी हेल्प कर दी थी हमारी, वो भी इसी बस में बैठी हुई है। जो एक्सपीरियंस हम करने आए ना वियतनाम में, वो एक्सपीरियंस जो करना बनता है ना लोकल बसेस में, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, आपको कहने और बताने लायक बने कि भैया हमने इसमें सफर कर रखा है। सेम दिल्ली की जो लोकल एसी बसेस होती हैं तो बिल्कुल वैसी है। शिनचांग हमने सिम ली थी वियतनाम में हो ची मिन्ह में, जो कि अभी तक चल रही है, और मात्र मेरे ख्याल से 350 की सिम थी, और डेली का 5 GB डाटा मिलता है। बाय 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 बाय, फाइनली हमारी बस ने उतार दिया है, पैदल सफर थोड़ा सा और है 300 मीटर का, बड़ा लाइटिंग सा माहौल है यार, अच्छा है यार। तो ये चौराहा भी बड़ा हैपनिंग सा लग रहा है मुझे, काफ़ी हैपनिंग सा माहौल है, कलरफुल सी रोड है और लोग यहाँ इस तरह से स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। हेलो शिनचांग, ये खाने खुने की दुकानें मिल जाती हैं तो बढ़िया है भाई, मजे आ जाएंगे। शिनचांग तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग जगह यार, मज़ा आ गया, हमने बिल्कुल सही जगह प्रॉपर्टी चूज करी है, बस पहुंचने वाले हैं यार। फाइनली भैया पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी पे, ये है ओल्ड टाउन बैकपैकर हॉस्टल। वाओ, हेलो 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 हेलो। तो भैया अपना रिसेप्शन है, पर मैंने इसको बोल रखा था भैया कि मुझे नीचे का बेड चाहिए, अगर वो देगा तो बात बनेगी। भाई 4 नाइट बोल के चौक गया भाई, इतना लंबा लगता है रुकता नहीं कोई। हमें इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बियर के कूपन भी दिए हैं, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, नाइस। भैया इतना एडवांस है कि यहाँ हॉस्टल के अंदर कार्ड मिल रहा है, देख रहे हो,
ये हमारा नीचे का है भाई साहब। इसके आपको प्रॉपर विजिट बाद में करूंगा, फिलहाल थोड़ा रिलैक्स करते हैं।